प्यारे बच्चों, जय हिंद। अर्थशास्त्र गुरु जी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। शैल वी स्टार्ट नाउ? से यस और नो। ओके, ठीक है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, जय हिंद। अर्थशास्त्र गुरु जी की कक्षा में आप सब बच्चों का हार्दिक अभिनंदन है। आज का हमारा टॉपिक है पांचवे चैप्टर के पहला टॉपिक है, तो 5.1 बच्चों मैंने इसका नंबर रखा है आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ये पांचवा चैप्टर हम आज से शुरू करने वाले हैं, और ये जो पांचवा चैप्टर बच्चों है ये हमारा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच के विषय में। हमने बच्चों जो चौथा चैप्टर पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? थ्योरी ऑफ डिमांड, मांग का नियम पढ़ा था ना, मांग का सिद्धांत, वो था हमारा चैप्टर नंबर 4। अगर हमारे ध्यान में मांग का सिद्धांत अच्छे से आ गया है तो मांग की लोच को समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये बहुत सरल है और हमारे को आसानी से समझ आ भी जाएगा। तो पहले हम समझते हैं कि ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आखिर ये मांग की लोच क्या मुसीबत है, क्या बला है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द एक्सटेंट टू विच क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज और डिक्रीज इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज और डिक्रीज इन एनी ऑफ इट्स क्वांटिटेटिव डिटरमिनेंट्स। अर्थात ये तो थी किताबी परिभाषा। मतलब क्या है इस किताबी परिभाषा का, कि मांग की लोच क्या है? मांग को प्रभावित करने वाले संख्यात्मक तत्वों में वृद्धि या कमी होने के फलस्वरूप मांग की मात्रा में होने वाली कमी या वृद्धि के विस्तार को मापना मांग की लोच कहलाता है। अर्थात इसमें हम क्या समझे, मांग को प्रभावित करने वाले संख्यात्मक तत्व। हमने बच्चों डिमांड फंक्शन पढ़ा था, तो मांग को प्रभावित करने वाले कितने तत्व थे उसमें? व्यक्तिगत और बाजार को 7 तत्व थे ना। उन 7 तत्वों से उसमें वस्तु की कीमत थी, संबंधित वस्तु की कीमत थी, उपभोक्ता की आय थी, अन्य अन्य कारण 7 थे जो क्या करते थे, मांग को प्रभावित करते थे। मांग या तो बढ़ जाती थी या बच्चों कम हो जाती थी। ठीक, तो उस लॉ ऑफ डिमांड में, मांग के नियम में हमने क्या समझा था, क्या हमें पता चलता था उसकी दिशा, डायरेक्शन, के इंक्रीज इन प्राइस, यदि कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी। ठीक, या इसके विपरीत, यदि कीमत कम हो जाएगी तो मांग बढ़ जाएगी। बस ये, अर्थात हमें सिर्फ इसमें दिशा का पता होता था, दिशा का ज्ञान लगता था कि किस दिशा में मांग जाएगी यदि कीमत में वृद्धि या कमी होती है। लेकिन मांग की लोच हमें वो मात्रा भी बता देगी, एक तरह का ये पैमाना हो जाएगा कि कीमत बढ़ने से इंक्रीज इन प्राइस विल कॉज डिक्रीज इन डिमांड एंड हाउ मच, कितनी कीमत बढ़ने से मांग घटेगी ये तो हमें पता है, मांग का नियम हमने पढ़ाई है, लेकिन कितनी मांग घटेगी वो हमें मांग की लोच बताएगी। या कीमत कम हुई तो उस वजह से मांग ने बढ़ना है, लेकिन मांग ने कितना बढ़ना है वो हमें मांग की लोच उसका विस्तार फैलाव बताएगी कि इतने बढ़ेगी, इतने प्रतिशत बढ़ेगी या घटेगी। इज इट क्लियर बच्चों? मांग की लोच एक नंबर में बच्चों ये परिभाषा आती है कि मांग की लोच से क्या अभिप्राय है। तो हम क्या समझे कि वस्तु की मांग की लोच से अभिप्राय, मांग को प्रभावित करने वाले संख्यात्मक तत्वों में वृद्धि या कमी के कारण, मांग की मात्रा में जो वृद्धि या कमी हो जाती है उसे मापने की मात्रा को हम मांग की लोच कहते हैं। ये हम लिखेंगे एक नंबर की परिभाषा में। समझ में आया सोनाक्षी? यस सर। बच्चों यदि हमें एक नंबर लेना हो तो हम इसमें ले सकते हैं, हमें परिभाषा समझ में आ गई। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच। जब हम बात करते हैं इसकी कैटेगरी की, इसके प्रकार, तो ये मुख्य रूप से होती है बच्चों 3 प्रकार की जो हम पढ़ते हैं। ये है 3 प्रकार की। सबसे पहला नंबर 1 हम कौन सी पढ़ते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अर्थात मांग की कीमत लोच। नंबर 1 क्या है, मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा आ जाता है हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की आय लोच। और तीसरा हमारा क्या है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अर्थात मांग की आड़ी लोच। क्या समझे, क्या इसके प्रकार है मांग की लोच के, एक कीमत लोच, दूसरी मांग की आय लोच, और तीसरी मांग की आड़ी लोच। क्रॉस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड फर्स्ट वन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो भगवान भला करे तुम्हारे सिलेबस में वर्तमान में ये दूसरी और तीसरी नहीं है, तो क्रॉस इलास्टिसिटी को हम यहीं छोड़ देंगे,
आने वाले बच्चों के लिए वो पढ़ते रहेंगे, और दूसरी जो हमारी है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको भी हम आने वाले बच्चों के पढ़ने के लिए छोड़ देते हैं। मतलब हमने अभी नहीं पढ़ना है, आप इसको फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। अर्थात आय लोच छोड़ दिया, आड़ी लोच छोड़ दिया। हमने क्या पढ़ना है बच्चों, आपके इस सिलेबस में क्या है, कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच। समझ में आ गया बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्लियर हुआ? कौन सी पढ़ने वाले हैं अभी हम? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरी के तीसरी कौन सी कैटेगरी पढ़ेंगे? महक गायब हो गई क्या? महक क्लास में है ही नहीं है। वाह जी वाह, गायब सर यही। ओके, कहाँ है? तो सो गई है। ओके, तो बेटा हम क्या समझने वाले हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच के विषय में हम समझेंगे। तो पहले ये दो आप छोड़ दो, हमने समझना है पहले ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। बिल्कुल सिंपल परिभाषा मैंने इसकी लिखी है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, मांग की कीमत लोच। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू या डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बहुत ही सरल है, व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी, ये क्या हमारा परसेंटेज, इसको लिखता हूं मैं चेंज डेल्टा को, ये जो त्रिभुज बनाया ना मैंने, अर्थात परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड किससे करेंगे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अर्थात सीधी सी अगर एक नंबर की परिभाषा आप लिखना चाहो तो क्या लिखेंगे इसमें, मांग की कीमत लोच कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को हम कहते हैं। कीमत में जितना परिवर्तन आएगा ना, उसके कारण मांग में कितने प्रतिशत परिवर्तन आया, उसी को हम क्या कहते हैं, कीमत लोच। मतलब ये वाले अन्य तत्व नहीं, अन्य तो क्रॉस में आ जाएंगे या इनकम में आ जाएंगे, सिर्फ हम कौन सा फैक्टर ले रहे हैं, केवल और केवल कीमत, कि कीमत में परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन आएगा, उसको मापने की इकाई को हम मांग की कीमत लोच कहते हैं। सिर्फ कौन सा फैक्टर हम इसमें मापेंगे, प्राइस, चेंज इन प्राइस, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन को ही हम इसमें मापते हैं। आय में परिवर्तन जो था वो हमारा इनकम इलास्टिसिटी है, वो हमने पढ़ना नहीं है। आय के अलावा और भी तत्व थे, संबंधित वस्तु की कीमत, जो भी अन्य वो पांच छह बच गए, वो हमारा आड़ी लोच में आता है, तो उसको भी हमने छोड़ दिया। तो केवल और केवल पहले वाला क्या समझ रहे हम, कीमत लोच, और वो क्या है, वस्तु की कीमत में जितने प्रतिशत परिवर्तन आएगा, उसके कारण मांग में कितने प्रतिशत परिवर्तन आएगा, उसको मापना हमारा क्या है, मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर हुआ बच्चों? ममता को समझ में आ गया कीमत लोच? यस सर। ओके बेटा, अब देखो इसको आगे समझो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन आता है ये, कि मांग की कीमत लोच से क्या अभिप्राय है, मांग की कीमत लोच की श्रेणियां, डिग्रीज, ठीक है बच्चों, ये क्या है, डिग्रीज, डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मैं ये शॉर्ट में ही लिख रहा हूं, क्या, मांग की कीमत लोच की श्रेणियां। तो ये बच्चों पांच तरह की श्रेणियां है, ये मैंने यहां लिख दी, ये पांच है, क्या है ये, डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच की श्रेणियां। ये अभी हमने समझा कीमत लोच क्या है, कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के कारण मांग में कितने प्रतिशत परिवर्तन आता है, उसको मापने का मापक है कीमत लोच। और ये श्रेणियां डिग्री कितनी होती है इसकी, इसकी मांग की कीमत लोच की मुख्य पांच श्रेणियां हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में ये 100% आएगा ही आएगा, शत प्रतिशत, एबीसी सीरीज किसी में भी। सिंपल कितना है ये, मांग की कीमत लोच से क्या अभिप्राय है, इसकी श्रेणियों की व्याख्या करें। तो श्रेणियां कितनी हम पढ़ेंगे इसमें आज, पांच। पहली क्या है हमारी, परफेक्ट इलास्टिक, मतलब जिसको हम कहते हैं पूर्णतया लोचदार मांग, परफेक्ट इलास्टिक, इसको अंग्रेजी नाम से याद रखेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा, परफेक्ट इलास्टिक मतलब पूर्णतया लोचदार। दूसरा, परफेक्ट इन इलास्टिक मतलब पूर्णतया बेलोचदार, परफेक्ट इन इलास्टिक हुआ दूसरा। तीसरा, यूनिटरी इलास्टिक, तीसरा क्या है, इकाई लोचदार,
यूनिटरी इलास्टिक मतलब इकाई लोचदार, और चौथा मोर देन यूनिटरी इलास्टिक इकाई से अधिक लोचदार, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, और पांचवा है लेस देन यूनिटरी इलास्टिक अर्थात इकाई से कम लोचदार। तो ये पांच श्रेणियां अभी हमने पढ़नी है। मांग की कीमत लोच क्या है ये हमने समझ लिया, अब हम समझ के आ रहे हैं कि मांग की कीमत लोच की कितनी श्रेणियां होती है, वो होती है पांच। सबसे पहले पहले समझते हैं फर्स्ट वन, दैट इज परफेक्ट इलास्टिक पूर्णतया लोचदार। पूर्णतया लोचदार क्या होती है? परफेक्ट इलास्टिक इलास्टिसिटी रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन डिमांड इज इन्फिनिट एट द प्रिवेलिंग प्राइस। मतलब बच्चों कितना सरल है ये, कि क्या इसमें समझते हैं कि पूर्णतया लोचदार मांग की लोच से अभिप्राय किसी वस्तु की उस स्थिति से है जिसमें प्रचलित जो समय की कीमतें होती है उस पर मांग इन्फिनिट होती है, मतलब अनंत, अनंत हम शब्द इसमें प्रयोग में लाते हैं, अनंत इन्फिनिट होती है। मतलब इस स्थिति में कीमत में जरा सा थोड़ा सा बिल्कुल स्लाइट सा परिवर्तन होने पर मांग शून्य भी हो सकती है और अनंत बढ़ भी जाती है। मतलब इसको अब दूसरे तरीके से समझे कि पूर्णतया लोचदार मांग से क्या अभिप्राय है कि वेरी स्लाइट, इतना कम कि आप इसको नोटिस नहीं कर पाएंगे, इस कारण मांग में अनंत परिवर्तन हो जाएगा। कीमत जरा सी बढ़ जाएगी तो मांग जीरो हो जाएगी, कीमत जरा सी घट जाएगी तो मांग इन्फिनिट बढ़ जाएगी। तो इसीलिए इसको हम कौन सी मांग की लोच बोलते हैं? पूर्णतया लोचदार मांग, परफेक्ट इलास्टिक। इसको डायग्राम से समझते हैं। ओ एक्स एक्सिस पे मैं ले रहा हूं क्वांटिटी क्यू, और बच्चों प्राइस पी ले रहा हूं मैं वाई एक्सिस पर, ठीक। अब इसमें मांग वक्र जो होता है कौन सी बना रहे हम? परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, इलास्टिसिटी डिमांड। पूर्णतया लोचदार मांग मैं आपको समझाने वाला हूं। तो ओ एक्स एक्सिस पर हमने मात्रा ले ली क्यू, और ओ वाई एक्सिस पर मैंने प्राइस ले लिया पी। तो इसमें मांग वक्र जो आपका होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। ये मांग वक्र बन गया कैसा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ये ऐसा क्यों? अब बच्चों ध्यान से देखो, यहां पे ओपी प्राइस है, उस पर मान लेते हैं क्वांटिटी क्यू है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ओपी प्राइस और मांग कितनी है? ओ क्यू। कीमत में इतना कम परिवर्तन होता है, मान लेते हैं सेंट्रल फूड कितने की मिलती है, कौन बताएगा? सोनाक्षी खाती है सेंट्रल फूड? यस सर। तेरी दुकान कितने रुपए की है? वो एक, एक रुपए की है ना बेटा। अब मान लो ये एक रुपए एक पैसे की हो जाए, कितने की मिलेगी? अब ये एक रुपए एक पैसे, कितने की वृद्धि हुई इसमें? सिर्फ एक पैसे की। तो कितनी मांग घटने की उम्मीद है इसकी? क्योंकि एक पैसा बड़ा है तो इतनी घटने चाहिए, लेकिन इन्फिनिट घट सकती है, जीरो भी हो सकती है। इतना कम प्राइस में वृद्धि हुई है कि अननोटिसेबल चेंज है, कि हम इसको यहां दर्शा भी नहीं पा रहे हैं, एक पैसा ही तो बड़ा है, लेकिन उस एक पैसे के चक्कर में सेंट्रल फ्रूट की डिमांड शून्य हो सकती है, जीरो, इतनी कम हो जाएगी वो। क्यों? एक पैसे के चक्कर में कौन पड़ेगा, ना मिलता है ना कहीं चलता है, कोई उसमें नहीं है मार्केट में, तो कौन लेगा एक रुपए? इसके चक्कर में दो ही देने पड़ जाएंगे तो लोग खाना छोड़ देंगे, जीरो भी हो सकती है। क्यों? वेरी स्लाइट इंक्रीज इन प्राइस विल कॉज इन्फिनिट, इन्फिनिट जीरो हो जाएगी इसमें डिमांड। और अगर इसके विपरीत हुआ, जरा सी कीमत कम हो गई, हजार रुपए की कोई चीज मिलती है ना, तो उस पर टैक्स स्लैब करके वो ऊपर चल जाती है। मतलब किसी ने कर दिया एक रुपया घटा दिया, 999 रुपए कर दिया किसी वस्तु की कीमत, तो उससे उस वस्तु की बहुत अधिक मांग बढ़ जाए, इतनी बढ़ जाए, इतनी इन्फिनिट बहुत ज्यादा बढ़ गई। कीमत कितनी घटी थी? सिर्फ एक रुपए की, या 1,00,000 रुपए की चीज में से सिर्फ एक रुपया घटा दिया, 10,000 की चीज थी 9,999 कर दिया, तो इतना कम इसमें परिवर्तन, उसमें कीमत में इतनी कमी हुई, इतनी थोड़ी कि हम इसको यहां नोटिस नहीं कर पा रहे, ये पी का पी ही दिख रहा है, लेकिन मांग कितनी बढ़ गई? ओ क्यू से ओ क्यू टू इन्फिनिट बढ़ गई। समझ में आ गया? इसीलिए मांग वक्र कैसा बन गया? ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ईडी इक्वल टू इन्फिनिट। इसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को बच्चों हम क्या डिनोट करते हैं? इसको लिखेंगे हम ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या लिखेंगे? ईडी इक्वल टू परफेक्ट इलास्टिक केस में क्या हो जाएगा? ये इन्फिनिट। ये चिन्ह जानते हो ना,
आठ लेटा हुआ आठ खड़ा नहीं, कैसा है इन्फिनिटी, ये सीधा करके, तो ईडी विल बी इक्वल टू इन्फिनिट मतलब अनंत। जरा सी कीमत बढ़ने पर शून्य हो जाए मांग और जरा सी कीमत कम होने पर अनंत बढ़ जाए मांग, इतनी कि हम उसको नोटिस नहीं कर पा रहे। इज इट क्लियर बच्चों? मधु बेटा रिस्पॉन्ड करो, मधु बेटा समझ में आया? तेरे साथ कौन है वहां पे? ये तो नहीं तो तंग कर रही तेरे को रंजना? नो सर, बोल तू मेरे को हैं? ओके छोड़ो। अब बेटा क्या है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, मांग वक्र कैसा है पूर्णतया लोचदार, तो पूर्णतया लोचदार की स्थिति में मांग वक्र कैसा बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सीधा लेटा हुआ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इज इट क्लियर बच्चों? फर्स्ट केस हमारा क्लियर हुआ, पूर्णतया लोचदार मांग कैसी होगी जिसमें मांग वक्र कैसा होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और हम लिखेंगे ईडी इक्वल टू इन्फिनिट, ये लिखना अनिवार्य है। मांग की लोच कैसी होगी? अनंत। ओके तो अब हम चलते हैं दूसरे की तरफ। तो दूसरा हमारा क्या है, इसका मैंने पेज जो है वो इस तरह से बना लिखा है कि सारे चार पांचों एक पेज में आ नहीं रहे थे, इस करके एक मैंने पहले पेज में ले लिया। ठीक है, अब दूसरी अवस्था, दूसरी मांग की लोच क्या है, क्या पढ़ी थी हमने यहां पे, ये देखो दूसरी क्या थी, परफेक्ट इन इलास्टिक, ये थी ना दूसरी हमारी परफेक्ट इन इलास्टिक। तो परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड पूर्णतया, अब है बेलोचदार मांग, पूर्णतया बेलोचदार मांग कब होती है, परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड इज वन इन विच अ चेंज इन प्राइस कॉज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब यहां पे बेअसर है क्या, कीमत में परिवर्तन। मतलब अगर इसको हम किताबी परिभाषा समझे कि किसी वस्तु की मांग उस अवस्था में पूर्णतया बेलोचदार होती है जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने की अवस्था में उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं आता, नो चेंज। क्या समझे बच्चों? चेंज इन प्राइस कॉज नो चेंज इन डिमांड, किसी भी परिस्थिति में चाहे आपकी कीमत बड़ी होगी चाहे तो कीमत कम हुई होगी, डिमांड विल रिमेन द सेम, ये कॉन्स्टेंट रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। क्या बच्चों समझे? 100% चेंज इन प्राइस कॉज 0% चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसको हम क्या बोलते हैं, मांग की लोच क्या है, पूर्णतया बेलोचदार, बेअसर है। मतलब कीमत में परिवर्तन का मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जीरो रही उसका प्रभाव, कीमत के बढ़ने पर मांग कम नहीं हुई और कीमत के कम होने पर मांग बढ़ी नहीं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णतया बेलोचदार मांग वक्र। तो ये बनता कैसे है डायग्राम, अब इसको हम देखते हैं। सबसे पहले बच्चों ओ एक्स एक्सिस पर मैं ले रहा हूं क्वांटिटी क्यू और ओ वाई एक्सिस पर ले लिया बच्चों मैंने प्राइस पी। पूर्णतया लोचदार की अवस्था में मांग वक्र हमारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस था, इसमें हमारा मांग वक्र होगा पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये हमारा मांग वक्र डीडी कैसा होगा पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का अर्थ क्या है, अगर हमारी प्राइस पी है, कीमत पी, तो उस पर क्वांटिटी हमारी ओक्यू, ओपी प्राइस तो ओक्यू कीमत। ठीक है, अब होता क्या है, कीमत में वृद्धि हो जाए पी से पी वन, डिमांड विल रिमेन द सेम, ये कम नहीं हुई ओक्यू पर ही रही। ठीक, कीमत कम हो गई ओपी से पी टू रह गई, मान लेते यहां पे आ गई तब भी कीमत ओक्यू ही रही, कीमत कम होने पर मांग बढ़ी नहीं और कीमत बढ़ने पर मांग घटी नहीं। इस अवस्था में क्या वो होता है बच्चों, ये कौन सी अवस्था है, पूर्णतया बेलोचदार मांग, इसी में हम क्या बोलते हैं इसको ईडी इक्वल टू जीरो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, शून्य। क्यों शून्य है, कीमत के बढ़ने पर मांग घटी नहीं वहीं रही और कीमत के घटने पर मांग बढ़ी नहीं, तो ये हमारा ओक्यू पर स्थिर रही। ओके, इसको मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। ठीक है, तो मान लेते हैं नमक की जो थैली है, नमक कितने का आता, लगभग 10 रुपए मान लो, 10 रुपए किलो है ना नमक, ज्यादा है क्या होगा, चलो मान लेते 10 रुपए टाटा नमक या कोई भी नमक हमारा 10 रुपए का आता है। ठीक है, अब क्या हुआ, इसके पास भी है, सोनाक्षी तेरे पास क्या रेट है नमक, दुकानदार है ना तू भी? सर नहीं है।
अच्छा तेरे पास नहीं है, चलो कोई नहीं। तो हमने नमक की कीमत क्या रखी, 10 रुपए मान लिए ना। अब क्या हुआ, नमक हो गया सस्ता, प्राइस पी से 10 रुपए थी ना, वो कम हो गई कितनी, 5 रुपए। नमक अब बच्चों 5 रुपए मिल रहा है। तो हम लोग 1 केजी नमक खाते हैं 1 महीने में, अब हमें सस्ता हो गया, अब हमें 2 किलो नमक खाना चाहिए ना। मधु कितना नमक खाएंगे हम, क्योंकि नमक तो आधा ही होगी कीमत, हम उसका कंजप्शन डबल कर देंगे ना, है बेटा, ज्यादा खाएंगे ना अब नमक, क्योंकि नमक तो सस्ता है। क्या बोल, आवाज नहीं है बेटा तेरी, दोबारा बोल तो, आवाज नहीं आ रही बच्चे। तो अच्छा ममता से पूछ लेते हैं, ममता नमक की कीमत सर आधा क्या करेंगे बेटा, दोबारा बोलो। मैं ये बोल रहा हूं 10 रुपए किलो नमक मिलता है, ठीक है, 10 रुपए किलो नमक है ना। अब नमक हो गया सस्ता 5 रुपए का, 1 किलो आधी रहेगी कीमत, तो हमारा, हम हर महीने 1 किलो नमक खाते हैं घरों में, 1 किलो नमक लगता है। तो अब हुआ क्या, सस्ता हो गया नमक 5 रुपए का हो गया, तो अब हमें 2 किलो नमक खाना चाहिए ना, ज्यादा खाएंगे ना हम नमक। अब आया समझ में क्वेश्चन, क्या पर सर जितना पहले करेंगे। खाते उतना हाँ गुड, ये इसका मतलब तू जागी हुई सोई नहीं है। मतलब क्या, कीमत आधी रहने से हमने मांग थोड़ी बढ़ा दी, अब अगर सस्ता मिलेगा नमक तो क्या हम नमक ही खाते रहेंगे, हम 1 किलो ही खाएंगे तभी भी, वो चाहे 1 रुपए मिले चाहे फ्री में भी मिले नमक, नमक हम उतना ही कंज्यूम करेंगे बच्चों। अर्थात कीमत कम होने से पी से पी टू हमारी नमक की मांग थोड़ी भी बढ़ी, हमने ओ क्यू ही रखा, पहला पक्ष समझ में आया। अब इसके विपरीत हो गया, अब पहले 10 रुपए का नमक था, अब मान लेते 20 रुपए नमक हो गया, डबल हो गई कीमत। अब क्या हम आधा नमक खाना छोड़ दें, आधा कर दें नमक, अब क्या करेंगे हम, अभी भी तो हम उतना ही खाएंगे कि कीमत बढ़ने से उसका प्रयोग कम कर देंगे, नहीं करेंगे, अभी भी हम 10 रुपए फिर अफोर्ड कर लेंगे, 20 रुपए किलो नमक मिले तो भी हम 1 किलो ही खाएंगे, उसमें कमी नहीं करेंगे। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला कि कीमत बढ़ने से 5 रुपए, मतलब कीमत 10 रुपए थी नमक की तो हमारी मांग थी 1 किलो नमक की, कीमत बढ़ गई 10 रुपए से 20 रुपए हो गई, तो भी हमने क्या किया कि कीमत बढ़ने पर हमने 1 किलो ही मांग रखी, उसकी कम नहीं करी। और यदि नमक की कीमत आधी रह गई 10 रुपए से 5 रुपए, तो क्या हम फिर भी ज्यादा नमक नहीं खाएंगे, अभी भी हमारी 1 किलो ही मांग रहेगी, अर्थात चेंज इन प्राइस का 0 इफेक्ट पड़ा, मांग पर तो कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं। मतलब क्या रहा, ईडी इक्वल टू 0, इसका मतलब मांग की जो लोच है, मांग वक्र इसमें कैसा होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस की तरफ ये खड़ी लाइन होगी। मांग वक्र कब होगा, जब मांग की लोच पूर्णतया बेलोचदार होगी। ओके समझ में आया बच्चों, मांग वक्र बेलोचदार कब सर होगा, जब कीमत में परिवर्तन का, वृद्धि और कमी का मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बेअसर है मांग, ठीक है, इज इट क्लियर। देखो ये सर दो दो चीजें समझ में आ गई ना, इन्फिनिटी में क्या था, बहुत प्रभाव पड़ा था, तो ये जरा सी कीमत कम होने पर ये अनंत बढ़ गई थी, और जरा सी कीमत बढ़ने पर ये शून्य हो गई थी, तो ये ईडी इक्वल टू इन्फिनिट था। लेकिन यहां पे ईडी इक्वल टू 0 है, कीमत बढ़ी तो भी नहीं घटी मांग, कीमत घटी तो भी नहीं बढ़ी मांग, अर्थात इस अवस्था में मांग की लोच ईडी विल बी इक्वल टू 0, मांग की लोच क्या है, शून्य। तो ये था दूसरा, ठीक है, आगे समझ में। ओके अब समझो तीसरी, तीसरी मांग की लोच कौन सी थी, थर्ड हमने क्या पढ़ा था, यूनिटरी इकाई लोचदार मांग, यूनिट इलास्टिक पढ़ा था ना हमने, इकाई लोचदार। तो इकाई लोचदार से बच्चों क्या अर्थ है, इट इज आ सिचुएशन व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंट चेंज इन प्राइस। बड़ा सिंपल है, साधारण सी बात है कि जितना कीमत में परिवर्तन आया है उतना ही मांग में भी परिवर्तन आएगा, या जो टोटल एक्सपेंडिचर हम कर रहे थे उस पर कुल व्यय वो इक्वल रहेगा। आप पहले भी 100 रुपया व्यय कर रहे थे कीमत में परिवर्तन से, अब भी आप 100 रुपया व्यय कर रहे हैं, अर्थात जितना परिवर्तन कीमत में आएगा उतना ही परिवर्तन मांग में भी आएगा। इफ 10% चेंज इन प्राइस, देयर विल बी ऑल्सो 10% चेंज इन क्वांटिटी क्यू। जितना परिवर्तन इसमें आएगा दोनों बराबर, 20% होगा ये प्राइस में चेंज,
तो इसमें भी 20% चेंज आएगा, दोनों में बराबर जब होगा उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, इकाई लोचदार। जब दोनों में बराबर हो कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग में भी इतना ही परिवर्तन होता है, अर्थात उस पर किया गया कुल व्यय बराबर है। ओके, इसको अब समझते हैं हम डायग्राम से। तो बच्चों ओ एक्स एक्सिस पर मैंने ले लिया क्वांटिटी क्यू और ओ वाई एक्सिस पर मैं ले रहा हूं प्राइस पी। इस अवस्था में बच्चों यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व कैसा होगा, ये यूनिटरी होगा जैसा नेचुरली होता है लॉ ऑफ डिमांड में होता है। तो ये हमारा डीडी मांग वक्र कैसा है, इस तरह का। क्यों है ऐसा, मान लेते हैं ये प्राइस पी है, इस पर क्वांटिटी क्यू है, ओपी प्राइस है तो ओक्यू हमारी मांग है, ये दोनों। अब हुआ क्या, कीमत पी से कम होकर पी टू रह गई, पी से कम होकर पी वन आ गई, तो मांग बढ़कर क्यू से, क्यू थी पहले अब क्यू वन हो गई, अर्थात जितनी कीमत में कमी हुई उतनी ही मांग में वृद्धि हुई। अगर ये 10% डिक्रीज है तो ये 10% इंक्रीज है। 10% डिक्रीज इन प्राइस विल कॉज 10% इंक्रीज इन डिमांड, दोनों बराबर। और इसके विपरीत भी, मतलब अगर पहले की अवस्था हम P1 Q1 मान ले, तो यदि कीमत बढ़ गई P1 से P 10% कीमत बढ़ी तो मांग भी कितनी घटी, 10% Q1 से Q, तो ये दोनों बराबर है। इसीलिए हम लिखते हैं इसको ED इक्वल टू 1, मांग की लोच कैसी है, इकाई के बराबर। तो इकाई के बराबर में मांग वक्र कैसा होगा हमारा, डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि जितने प्रतिशत परिवर्तन कीमत में आएगा मांग में भी परिवर्तन उतना ही आएगा। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन पी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्यू, तो ये हमारा हुआ ईडी किसके बराबर होगी, इकाई के बराबर। अब बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, हाँ जी कोई बोलेगा, yes, दिया बोलेगी, समझ में आ गया दिया? यस सर। ओके गुड, दिया है जो आराम से क्लास में ध्यान से सुनती है, बाकी तो पता नहीं क्या करते रहते हैं। ओके, अब हम समझते हैं चौथा पॉइंट, चौथी मांग की लोच की श्रेणी कौन सी है, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक का मतलब क्या है, इकाई से अधिक। ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक हम किसको बोलते हैं, यहां पे आ गया चौथा, ये इकाई से अधिक, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक भी बोलते हैं इसको बच्चों, और ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक भी बोलते हैं, इकाई से अधिक। ये है क्या है, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक व्हेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस। अब देखो इसमें बड़ा सिंपल सा है, जितने प्रतिशत कीमत में परिवर्तन आया होगा ना, मांग में से ज्यादा प्रतिशत परिवर्तन आया, मान लेते हैं 10% चेंज इन प्राइस, तो मांग में कितने प्रतिशत परिवर्तन आया, 20% परिवर्तन, 20% चेंज इन क्वांटिटी क्यू। क्या समझे, कीमत कितने प्रतिशत परिवर्तित हुई, 10%, तो मांग कितने प्रतिशत बढ़ी, 20, मोर देन 10, वो चाहे बढ़ेगी चाहे घटेगी, तो मांग में उसके विपरीत परिवर्तन आएगा, लेकिन उससे ज्यादा आएगा, उसकी अपेक्षा ज्यादा। तो ईडी इसको हम क्या लिखते हैं, ईडी इज ग्रेटर देन 1। क्यों ये ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि जितने प्रतिशत परिवर्तन कीमत में आएगा मांग में उससे ज्यादा प्रतिशत परिवर्तन आएगा। तो इसका जो मांग वक्र है बच्चों, अब इसको मैं डायग्राम से बनाने वाला हूं, ये हमारा ओ एक्स एक्सिस ले लिया यहां पे मैंने, क्वांटिटी क्यू, प्राइस पी ले रहा हूं वाई एक्सिस पर, तो इसका जो मांग वक्र है वो हमारा होगा इस तरह का, ये हमारा मांग वक्र है कैसा, अभी इसको समझते हैं ऐसा ये क्यों है। ये हमारी है स्टार्टिंग पोजीशन, क्वांटिटी क्यू प्राइस पी, समझ में आ गया। अब क्या हुआ है, कीमत में कमी हुई है, मान लेते हैं डिक्रीज इन प्राइस कितने, 10%, तो ये हो गई इसमें 10% की कमी कीमत में, ये पी से पी वन आ गई, कितनी प्रतिशत, ये 10% कीमत कम हुई, तो मांग में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, क्यू से क्यू वन, अर्थात ये 20% बढ़ गई। ये सारा जो था ना, ये 10% था, लेकिन ये कितने परसेंट है, 20%, तो 10% डिक्रीज इन प्राइसेस विल कॉज 20% इंक्रीज इन क्वांटिटी क्यू।
10% कीमत घटने से 20% मांग बढ़ गई, तो ये जो परिवर्तन है इसको हम बोलते हैं मांग की लोच। कैसी है ये? इकाई से अधिक। तो इसका जो मांग वक्र है ना बच्चों, वो यूनिटरी से थोड़ा फ्लैटर होगा और इस इन्फिनिट वाले से थोड़ा सा नीचे होगा, इन दोनों के बीच का। ना तो इसकी तरह यूनिटरी होगा, इससे थोड़ा ये ऊपर है और इससे थोड़ा सा नीचे को है। ठीक, तो अभी हम इसको समझेंगे पांचों को भी एक डायग्राम में। तो अब क्या हुआ, ये हम समझ गए, तो इसीलिए इसको क्या लिखेंगे हम, ईडी विल बी इक्वल टू ग्रेटर देन वन। इकाई से ये अधिक है। क्यों इकाई से अधिक है? क्योंकि जितने प्रतिशत परिवर्तन कीमत में आ रहा है, मांग में, उससे ज्यादा प्रतिशत परिवर्तन आ रहा है, कुल व्यय बढ़ रहा है। पहले कुल व्यय कितना था, मान लेते ये वाला कुल व्यय था सारा ये, अब कितना हो गया कुल व्यय यहां से लेकर इधर तक, ये अब ये वाला कुल व्यय हो गया, पहले ये वाला कुल व्यय था, तो ये एरिया बढ़ गया ना इसका, टोटल एक्सपेंडिचर का, इसीलिए इसको इकाई से अधिक मांग की लोच बोलते हैं। इसके विपरीत भी हो सकता है, मान लेते हैं अगर 10% कीमत बढ़ जाए, 10% इंक्रीज इन प्राइसेस, तो 20% डिक्रीज इन डिमांड। अगर इसको उल्टा पड़े ना, बस ये वाला पहला पॉइंट ले लो भले ही, क्या P1 प्राइस पर OQ1 डिमांड है। अब क्या हुआ, कीमत P1 से बढ़कर P हो गई, तो यहां से यहां चली गई, तो मांग हमारी Q1 से कम होकर यहां Q आ गई, प्राइस क्योंकि P1 से P हुई। तो इसको हम बोलते हैं इकाई से अधिक, ईडी इज ग्रेटर देन वन। मांग की लोच क्या है? इकाई से अधिक। चौथा समझ में आया बच्चों? यस सर। ओके गुड। अब बात करते हैं बच्चों पांचवे की। पांचवा हमारा क्या है? पांचवा हमने पढ़ा था लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, इकाई से कम लोचदार। लेस देन यूनिटरी इलास्टिक कब होता है ये? लेस देन यूनिटरी इलास्टिक व्हेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस इज लेस देन चेंज इन प्राइस। अब बिल्कुल सिंपल है बच्चों, क्या है कि इकाई से कम कब होगा? जब कीमत में जितने प्रतिशत परिवर्तन आया है, मांग में उससे कम प्रतिशत परिवर्तन आ रहा है। मान लेते हैं 10% चेंज इन प्राइस कॉज ओनली 5% चेंज इन डिमांड। इसमें तो आया था 10% परिवर्तन, लेकिन इसमें केवल 5% परिवर्तन आया, या इसमें अगर 20% परिवर्तन आया है तो इसमें केवल 10% परिवर्तन है, मतलब 20 से कम, 19 भी चलेगा। तो इस अवस्था में मांग की लोच क्या होगी? लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, ईडी will be less than one. When will be less than one? When percentage change in price is greater than percentage change in quantity demanded of that particular commodity. उस वस्तु की मांग में जितना परिवर्तन आया है, कीमत में उससे ज्यादा प्रतिशत परिवर्तन आया होगा, इसको मापते हैं हम, मांग की इकाई की लोच क्या है उसमें कम। तो कैसे होगी ये, अब इसका डायग्राम भी समझ लेते हैं। तो ओ एक्स एक्सिस पर बच्चों मैंने ले लिया क्या क्वांटिटी क्यू, y एक्सिस पर मैं ले रहा हूं प्राइस P। अब इस अवस्था में क्या है, क्योंकि मांग की लोच इकाई से कम है, तो मांग वक्र जो हमारा होगा वो हमारा होगा स्टीपर। ये हमारा मांग वक्र जो है वो स्टीपर है। क्यों स्टीपर है ये अभी हम समझते हैं। ये हमारी होगी स्टार्टिंग पोजीशन, ठीक है, ओपी प्राइस है तो ओक्यू हमारी डिमांड। इस अवस्था में अब क्या हुआ है, कीमत में वृद्धि हुई है। वृद्धि कितनी हुई है? ओपी से ओपी वन, इतनी कीमत में वृद्धि हो गई है, ठीक है। लेकिन मांग में कमी कितनी हुई है? ओ क्यू से ये केवल ओ क्यू वन। यहां जो ये वाला एरिया है ये ज्यादा बड़ा है, ये वाला कम है, अर्थात परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन डिमांड। तो इसमें वृद्धि जितनी मांग में, कीमत बढ़ी ना जितनी, मान लेते ये 20 से 30 हो गई, तो ये मांग जो है 20 से केवल 18 ही हुई, क्योंकि कीमत अगर ये 20% कीमत बढ़ी तो ये केवल 10% मांग घटी, जबकि अगर ये बराबर होती 20 की 20 तो इकाई के बराबर होता, 20 के बजाय ये 25 से 30 होती तो इकाई से अधिक होता 20। लेकिन ये कितनी हुई है, कीमत में 20% परिवर्तन आया है तो मांग में केवल 10% परिवर्तन आया है, इस परिवर्तन को हम बोलते हैं इकाई से कम। तो इसको कैसे लिखेंगे, ईडी विल बी इक्वल टू लेस देन वन, इकाई से कम। तो ये बच्चों पांच श्रेणियां हमने पढ़ ली। अब मुझे बताओ किसको समझ में आई किसको नहीं आई, बताओ
कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा। ओके बच्चों, अब इसकी एक समरी बनाता हूं मैं, आपको क्विकली समझाता हूं। देखो ये जो पांच मांग वक्र है, ये ऐसे करके देख लो इसको, पांचों को मैं एक ही साथ दिखाने की कोशिश करता हूं। पहले होती है पूर्णतया लोचदार मांग वक्र, पहले में। तो ये पूर्णतया लोचदार मांग कब कब होगा? पूर्णतया लोचदार मांग वक्र पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। कब होगा ये? यहां देखो पांच श्रेणियां बना रखी है मैंने। ये तब होगा जब ये प्राइस चेंज का वस्तु की मांग पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। स्लाइटली इंक्रीज एंड डिक्रीज कॉज इनफिनिट चेंज। थोड़ा सा एक पैसे बढ़ गई, एक रुपए बढ़ गई तो मांग जीरो, एक पैसे या एक रुपए घट गई तो ये इन्फिनिट बढ़ जाएगी। तो मांग वक्र कैसा होगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और इसको हम लिखेंगे क्या? ईडी इक्वल टू इन्फिनिट। इसके अपोजिट क्या है? दूसरा। ये वाला, ये रहा दूसरा, इसका अपोजिट कौन सा? ये वाला, परफेक्ट इन इलास्टिक। परफेक्ट इन इलास्टिक में कैसा होगा? होगा कीमत में परिवर्तन, कीमत बढ़ी तो भी ये स्थिर रहा, कीमत घटी तो भी स्थिर रहा। हमने यहां पे लिया था एग्जांपल नमक का, तो कीमत बढ़े चाहे घटे, हम ना सस्ता होने से नमक ज्यादा नहीं खा लेंगे, महंगा होने से नमक खाना कम नहीं कर देंगे, तो हम उतना ही करेंगे। तो इसका मतलब है कीमत परिवर्तन बेअसर है, ईडी इक्वल टू जीरो होगा, और मांग वक्र हमारा पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, खड़ी लाइन, ठीक। और अब अगर इन दोनों में बराबर परिवर्तन हुआ, जितना कीमत में परिवर्तन आया ठीक उतना ही मांग में परिवर्तन आए, तो ये इकाई के बराबर, ईडी इक्वल टू वन, ठीक। और अगर चौथी स्थिति क्या है कि जितना प्रतिशत परिवर्तन कीमत में आए, मांग में उससे ज्यादा प्रतिशत परिवर्तन आए, कीमत कम होने से मांग उससे ज्यादा बढ़े, या कीमत बढ़ने से उससे ज्यादा प्रतिशत में मांग घटे, तो ईडी इज ग्रेटर देन वन, मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। तो मांग वक्र कैसा होगा? इससे थोड़ा फ्लैटर होगा, लेकिन इससे थोड़ा सा स्टीपर होगा, इन दोनों के, इसके और इसके बीच की अवस्था वाला, ये वाला मांग वक्र ऐसे करके होगा, ठीक। पांचवी अवस्था क्या है? ये वाला लेस देन यूनिटी इलास्टिक। लेस देन यूनिटी इलास्टिक कब होगा? कि जितने प्रतिशत परिवर्तन कीमत में आएगा, मांग में उससे कम प्रतिशत परिवर्तन आएगा। कीमत में 50% परिवर्तन आएगा तो मांग में 50 से कम 10, 20, 30, 40 कितना ही परिवर्तन आएगा, पर 50 से कम होगा तो वो इकाई से कम होगी उसकी लोच। वो कीमत बढ़े तो भी, चाहे कीमत घटे तो भी, दोनों अवस्था में कीमत का मांग पर जितना परिवर्तन आना चाहिए था उससे कम आया है। इस अवस्था में मांग वक्र की जो लोच है वो लेस देन वन होगी, तो मांग वक्र जो है थोड़ा सा स्टीपर होगा। इसकी तरह एकदम खड़ी लाइन नहीं होगी वो, जैसे यहां पे खड़ी लाइन है ना ये, क्योंकि ये तो जीरो ही है, इस पर तो कोई प्रभाव पड़ ही नहीं रहा, इस पर प्रभाव पड़ तो रहा है पर इसकी अपेक्षा थोड़ा ज्यादा पड़ रहा है। यहां तो कट पड़ा ही नहीं, इस पर थोड़ा ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। कीमत में 20% चेंज, इसमें लेस देन 20% चेंज। और अगर इन दोनों में बराबर होता तो ये वाला ना होती स्थिति, तो फिर ये होती। तो बच्चों ये हमने अभी क्या समझा? पांचों मांग की श्रेणियां। अब मुझे कोई बच्चा बताएगा ये पांचों समझ में आई किसी को? ममता बोलेगी? कोई बच्चा बोलेगा कि नहीं बोलेगा? सोनाक्षी बोल दे बेटा। ओके गुड। अब बच्चों थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या मैं समझा रहा हूं। अब इन पांचों को हम एक ही साथ बना लेते हैं। एक ही साथ कैसे बनाते हैं? इन पांचों को एक साथ कैसे समझ लें? यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट ऑल पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व अ स्पेशल केस। इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड वक्र मैं बना रहा हूं। मतलब ये पांचों अवस्थाएं जो अभी हमने समझी ना, ये एक पूर्णतया लोचदार, ये पूर्णतया बेलोचदार, ये इकाई लोचदार, इकाई से ये अधिक और ये इकाई से कम, तो इन पांचों को मैं इसी में बना रहा हूं। एक ही मांग वक्र में हम कैसे बना सकते हैं ये पांचों अवस्थाएं? मैं यहां से समझाता हूं, आप पांचों समझो। तो ओ एक्स एक्सिस पर हम क्वांटिटी क्यू ले लेंगे और ओ वाई एक्सिस पर हम प्राइस पी ले लेंगे, ठीक है। यदि तो बच्चों बराबर परिवर्तन है तो मांग वक्र ऐसा होगा। कितना? ये यूनिटरी है, मतलब ठीक इसके ऐसे करके होगा पैरेलल, जितना परिवर्तन इधर आएगा उतना ही इधर आएगा। और यदि बच्चों इसमें जरा भी परिवर्तन नहीं होगा, थोड़ा भी नहीं, तो ये बिल्कुल होगा ऐसे मांग वक्र। ऐसे का मतलब है पैरेलल टू किसके? y एक्सिस के। ये है ed, यहां पे क्या है? ed इक्वल टू जीरो, यहां पे क्या है? ed इक्वल टू वन। अब यदि इस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है,
यदि इस पर क्या पड़ रहा है, बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो इसका मतलब है इनफिनिट है। यहां पे ईडी विल बी इक्वल टू इनफिनिट, कि कीमत थोड़ी सी कम होने से ये इन्फिनिट बढ़ भी सकती है, थोड़ा सा बढ़ने से ये जीरो भी हो सकती है। इसको मैं पूरा डॉटेड मान के रहा हूं, ये पूरा ऐसे लाइन है, ये ऐसे लाइन है और ये ऐसे लाइन है, ये तीन मार्ग वक्र हो गए समझ में, इक्वल टू इन्फिनिट, इक्वल टू वन और इक्वल टू जीरो। और यदि जीरो से थोड़ा सा ज्यादा है पर एक से कम है तो ये वाली स्थिति होगी, बीच वाली, ठीक है, ये वाली। यहां पे क्या है, ईडी विल बी लेस देन वन, और यदि एक से ज्यादा है पर इन्फिनिट से कम है तो फिर ये वाली स्थिति होगी। ये हमारा हुआ ईडी विल बी ग्रेटर देन वन। तो इनको बच्चों अगर मैं पूरे पांचों को बनाऊ ना, ये तो मैंने एक ही में बनाया, ये मांगो एक तरह से कर्व टाइप दिख रहा है, लेकिन ये पांच अलग अलग डायरेक्शन है इसकी। ये पहली डायरेक्शन हो गई ये वाली, ये क्या है इक्वल टू जीरो, इन कैसा है इक्वल टू जीरो पूर्णतया बिलोचदार। और अगर मैं ये वाली बनाऊं, ये कौन सी है इक्वल टू इन्फिनेट, मतलब पूर्णतया लोचदार, ठीक है। और अगर मैं ये बीच वाली बना रहा हूं, ये वाली, ये क्या है, ये मांग वक्र कैसा है डीडी, ये हमारा कौन सा है, ये है इक्वल टू वन, जितना इधर परिवर्तन उतना इधर। लेकिन ये दो जो है ये कौन से है, एक ये वाला हो गया, ये क्या है लेस देन वन, और ये वाला क्या है, ये वाला है ग्रेटर देन वन, ठीक है। तो अब इनको अगर पूरा कर्व बनाए तो ये पांचों ही अवस्थाएं आपको इसमें दिख जाएगी। क्या होगा, किसको, कौन सी खा, लगता है तुम्हारे को आज का समझ में भी नहीं आया कुछ भी। मधु बेटा तेरे को समझ में आया? यस सर। तो ये बच्चे मैंने बना दी पांचों डिग्रियां मांग की। अभी आगे हम यही पढ़ेंगे बच्चों, क्वेश्चन यही आएगा प्रश्न, अब बार बार ये चीजें करवाई जा सकती कि पूर्णतया लोचदार मांग वक्र है, तो तुम्हें समझना पड़ेगा पूर्णतया लोचदार मांग वक्र का मतलब है मैं इस तरह से सीधी लाइन बनाऊं, या पूर्णतया बेलोचदार मांग वक्र में बोलूंगा तो आपको ऐसा वाला मांग वक्र बनाना पड़ेगा। आपको बोला इकाई से अधिक मांग की लोच वाला मांग वक्र बनाओ तो आपको ऐसे वाला बनाना पड़ेगा, इकाई बोला तो आपको ये वाला बनाना पड़ेगा इकाई के बराबर। तो ये हमने समझनी है। तो मांग की लोच पहले हमने समझा बच्चों, फिर मांग की कीमत लोच की, मांग की लोच की श्रेणियां जो तीन होती है उसमें हमने पहले वाली मांग की कीमत लोच क्या है उसको समझा, मांग की कीमत लोच की श्रेणियां जो पांच है उसके बारे में हमने समझा विद डायग्रामेटिक। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। समय क्या हुआ है, क्या है किसी के पास समय सर? 1:53। ओ बाबरे, मेरी प्लस वन की क्लास भी है। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? नो सर। ओके बेटा, जय हिंद, वंदे मातरम।